स्वागत करुच्छे आपको आईसीएसटीएस रे मु प्रभात। तो देखो आज वीडियो आम डिस्कसन करवा आपणकर आर आई एग्जाम टाइम मैनेजमेंट किपर करेंगे। तो यहाँ पिलांकर डाउट अच्छी। तो देखो आपने जानते कि आपंकर एग्जाम हल को कौन भी घंटा नहीं कि जापारे ना गोटे गोटे स्कूल घंटा थाए आ गोटे गोटे स्कूल घंटा न थाए। तो से जगार टाइम मैनेजमेंट करेंगे किपर। तो फर्स्ट मुझे रखुच्छे देखो आपत एग्जाम हल को एंट्री करेंगे तो एंट्री कलापर जो आप क्वेश्चन पेपर दे जो गोटे बेल बाजिब तो से टाइम 10 AM हो तो आपठ कौन करेंगे निजर क्वेश्चन आरंभ करेंगे। तापर आप गोटे बेल 1 hour डिफरेन्स बाजि जोटा कि हूँ आपको 11 बाजि और फाइनाल बेल आप 12 बाजि 12 पूर्व आपको गोटे बेल बाजि जोटा कि हूँ 11:50 आपको गोटे बेल बाजिब 11:50-55 भितर आपंकर आउ गोटे बेल्ट बाजि ताने आप जो 11:50-55 जो बेल्ट बाजि तो से टाइम आपको डॉक्यूमेंट रेडी करिया पाई इंस्ट्रक्शन आसीजिबो कि आपणकर जो रहिला आंसर किटा रेडी करी रखी थांतु। तो फाइनल बेल आपणकर 12 बाजू एवं 12 पर आपणकर आंसर की कलेक्शन करी दिया जिबो। तो देखंतु आपण माने कहूँ कि फर्स्ट पेपर एवं सेकेंड पेपर को किपर करेंगे। तो देखंतु फर्स्ट पेपर हूँ आपणकर मैथ एवं जीके रहिला। तो देखंतु जदि आपण माने मैथ रे भल हो तो फास्ट आप मैथ करेंगे जदि आप जिके भल हो तेन जिके करेंगे। तो फास्ट आप निज फेवरेट सब्जेक्ट को चूज कले तो देखो तो जिके जेहेतु हूँ मो एक्सपीरियंस रु कहूँ तो आपंकर मैथ पाई आप जीतु 50 क्वेश्चन अच्छे तो जदि क्वेश्चन लेवल इजी टू मॉडरेट आसा देन आप 50 क्वेश्चन को घंटे रु घंटे 15 मिनट भितर सारी पारे। आदि जिके देखो जिके SSC लेवल भी जिके जदि आपने देखिए तो SSC लेवल जिके करने आपको 25 क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 मिनट टाइम लगे। तो 25 क्वेश्चन कथ कहते 50 क्वेश्चन देखिए आप मैक्सिमम आपको 10-20 मिनट टाइम नहीं पारे जो 10 मिनट कौन आप मैक्सिमम टाइम कौन। तो ये 50 क्वेश्चन 20-30 मिनट आप जिके टाइम नब दे आप जो घंटे घंटे 15 मिनट आप मैथ टाइम नब। तो रेस्ट जो टाइम रहा आप जब किसी क्वेश्चन करें अटेंड करेंगे। आ गए बढ़िया कथ कहे देखो आप सपोज करूँ मैथ कले मैथ्रे एमती भी किसी क्वेश्चन आप कैलकुलेटर पकईदेव जो क्वेश्चन आसुनी देखो पिला भूल करते कौन कि जो क्वेश्चन आसुनी मुझे लगि पड़ी से क्वेश्चन करवाई करुवे से आप 2-3 मिनट अलरेडी टाइम वेस्ट करेंगे तापर तक छाड़ी जावाक इच्छा तो पुणी आस करी। तो देखो जो क्वेश्चन आप पढ़ला बेल लगुच कैलकुलेटिव अच्छे टी छाड़ी दिंतु तापर क्वेश्चन पढ़ी जातु आपन को टाइम सफिसीयंट हम 2 घंटा 100 क्वेश्चन टाइम ठीक अच्छे आप खाली गोल बुलेवा। तो से मुझे आप घर ही आज राति किसी पेपर को गोल बुले कि जाइ था जोटा कि आपको एग्जाम टाइम मैनेजमेंट पर सुविधा हे। तापर देखो तो आपने मैथ को यही टाइप बांटिदेवे तो आपन को सर आम जानवू किपर कि है तो आपको कहले आप मैथ जब फास्ट कले आप मैथ फास्ट कले तो मैथ जो फास्ट कले आप जानवे कि गोटे 11 गोटे बेल बाजे तो आप गोटे घंटा भितर कि तो क्वेश्चन करेंगे सपोज गोटे घंटा भितर मुझे 40 क्वेश्चन करी। तो जो बेल बाजिगला मुझे जानी एक्चुअली मोर गोटे घंटा भितर 40 क्वेश्चन सरी जाए आबार अच्छे 10 क्वेश्चन तो से आपने कौन करेंगे 10 क्वेश्चन करदे बुझेना। तापर से मैथ सरलापर आप जिके को सहीपरी हिसाब से जब आप फास्ट जिके कले जिके किसी टाइम देदेवे तो जिके तो आप गोटे घंटा भी टाइम नबन जिके अधिक आप भावे जोटा आंसर आसा टिक कर जोटा न आसला छाड़ी चले जातु। तो ये थी आपंकर सीटिंग वन सीटिंग वन पर सीटिंग टू जो आप आसो तो सीटिंग वन आप खाली मैथ रिजनिंग मैथ आउ जिके थिला तो मैथ जिके पर जो आप एग्जाम सर ये भूल बिल्कुल भी करेनि एग्जाम सरलापर आप डिस्कसन करेंगे नहीं क्या साथ में भी आपंकर एग्जाम जहाँ जी पचार हाँ भल होती जी पचार हाँ खराब होती आप देखो आप नुआ जगार ही थी एग्जाम क्या भी चिन्ह नए तो क्या सहित अधिक फ्रेंडली होगी कथबार्ता हो कि आवश्यक ना आप जीक आसे से अटेंड करके आसे सरला देन आस घर जहाँ देखार अच्छे देखिए तापर जो सेकेंड सीटिंग जब फास्ट सीटिंग में मन खराब होती बिल्कुल भी टेनसन हूँ जब आप खराब होता भावत कि समस्त भी खराब होती देन देखिए आप पेपर टू तो पेपर टू में आसवे इंग्लीश देन ओडिया देन आपंकर कंप्यूटर। तो देखो ओडिया तो प्राय समस्त मजा लगी तो फर्स्ट आप अटेंड करेंगे ओडिया को देन कंप्यूटर को
ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ନାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ତ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସରିଯିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ମାନେ ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସାରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମେନ୍ ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବାଜିବ ସେ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ବେଲ୍କୁ ହିଁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 12-3, 3 ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ଯେଉଁ ଆମର ଇଂଲିଶ, ତ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ଫାଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ର କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ର କିଛି ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ରହିଯାଇଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ କାହା ସାଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେନି, ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ନୋଟ୍ କରିଥିବେ, ସେଇ ନୋଟ୍କୁ ଖାଲି ରିକଲ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବଳିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଓନ୍ଲି ରିକଲ୍ କରିବେ, କାହା ସାଥିରେ ବିଲକୁଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେନି। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖାଲି ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।